फ्लेवर एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का वेदर बहुत ही अच्छा है। हाँ, स्नो है बट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं मेरे बैकयार्ड में पूरी स्नो हुई हुई है। अभी 2-3 दिन पहले कुछ भी नहीं था एंड अभी फिर से स्नो, तो इधर ऐसे चलता रहेगा, कभी स्नो कभी नहीं। तो माइंड मत करना कि हमेशा वेदर वेदर वेदर, बट हाँ इधर का थोड़ा वेदर बहुत ही फ्लक्चुएट होता है एकदम से। और इसी के साथ आज मुझे लग रहा था कि आज सीधे अभी भी सीधे साथ सो रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर जैसे घी बना रही हूँ। अब घी तो नॉर्मल है, सबको आता ही है, तो घर में जैसे कि हम लोग इंडिया में भी बनाते हैं, मलाई बहुत सारी इकट्ठी कर ली एंड देन हमने घी बना लिया, तो यहाँ पर मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और मैं बाहर जाती हूँ परचेज़ करने, तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इससे अच्छा तो आप घर में बना लो। ऐसा नहीं कि हम बाहर जाके नहीं ले सकते, बट क्यों लेना है जब आप घर में, आप जहाँ $30 का आपको हाफ के जी मिल रहा है, और 25 का भी, मैं $28 का भी देखा है हाफ़ के जी, तो मैं घर पर ही $15 में बना लेती हूँ। तो मतलब मुझे उसमें, और वो मैं बटर से बनाती हूँ, अनसॉल्टेड बटर से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाइए, क्योंकि जो भी यहाँ कैनेडा में है, और मतलब जो भी यहाँ बाहर है US कनाडा कहीं पर भी, ये तो अगर उनको भी नहीं पता इस चीज़ के, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग अनसॉल्टेड बटर से ही घी बनाते हैं। तो जिन्हें नहीं पता, ये वीडियो उनके लिए है और वो इसे सीखे और घर में ही बचाएं। तो और इससे मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा, पूरा का पूरा मेरा हाफ के जी घी $15 में तैयार हो जाता है और टेस्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। तो चलिए चलते हैं और आज यहाँ पर बनाते हैं घी। तो यहाँ पर घी बनाने के लिए मैंने लिए हैं अनसॉल्टेड बटर, 2 लिए हैं क्योंकि मुझे हाफ के जी बनाना है। अगर आपको कम बनाना है तो आप 1 अनसॉल्टेड बटर से भी घी बना सकते हैं। सो ये अप्रॉक्स आधा आधा किलो की ब्रिक्स हैं, तो इसलिए मेरा आधा किलो घी तो आराम से बन जाता है। ये 1 kg इनको मान लो और आधा किलो घी इसमें आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और पैन में ये पहले मैं एक ब्रिक डालूंगी और इसे मेल्ट होने दूंगी। बट जब तक मेल्ट हो रही है तब तक हम दूसरा बटर भी खोल लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही घी का होता है, तो कुछ भी इतना अलग मुझे नहीं लगता। एंड घी यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में, ये अपने आप ही हम घर में बना लेते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सेकंड ब्रिक मैंने इसमें डाल दी है और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब तक ये पूरी अच्छे से दोनों टिक्की मेल्ट नहीं हो जाती, और इसको मैंने सेम गैस में रखा है, तो आपको सारा प्रोसेस प्लीज़ आप सेम गैस में ही रखना, क्योंकि अगर आपने इसे सेम गैस में नहीं रखा तो ये बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा और धुआं भी निकल सकता है। तो हाँ, आप ये बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, मैं अपने बच्चों का ये जो एनफा मिल का बॉक्स है जिसमें पाउडर आता है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। एंड ये कंटेनर अप्रॉक्स आधा किलो का ही है और आधा किलो मेरा इसमें पूरा ऊपर तक घी फुल हो जाता है। और ये तो मैं 3-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ इसमें, मतलब मैं 3-4 बार घी बना चुकी हूँ, तो मुझे तो सही लगता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी यूज़ कर लो। बट आप कुछ भी यूज़ करेंगे उससे पहले आप वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। तो उसको मैंने अच्छे से ड्राई करा है धोने के बाद। एंड यहाँ पर अब मेरा पूरा बटर अच्छे से मेल्ट हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है, इसे और मेल्ट होने देंगे और सेम प्रोसेस में ही हम सारा प्रोसेस करेंगे। क्योंकि अगर आप इसमें तेज में मत करिएगा, और अगर आप ये बटर बना रहे हैं तो मेरा 45 मिनट्स में बना ये बटर, तो आप प्लीज़ तब तक वहीं खड़े रहें अगर, क्योंकि आगे जाके उबलेगा, बॉयल होगा। जैसे इस टाइम देखो इसमें झाग आनी शुरू होगी और मेरा बटर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और इसमें जब झाग आती है तो ये बाहर आके एकदम गिर जाएगा। तो प्लीज़ ये मत करना, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं, आग भी लग सकती है, पूरा घर में धुआं भी हो सकता है और आपका काम ही बढ़ेगा। तो ये काम मत करना, आप यहीं खड़े रहना और इसको सिम में हमें स्टर करते रहना है, स्टर। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल एकदम से झाग आने लगी है और मैंने इसको अभी भी सिम में रखा है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें स्टर करते रहना है, कंटिन्यूसली हमें स्टर करते रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे इसमें जो ये वाइट वाइट पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये जब तक ब्राउन नहीं हो जाते, मतलब लाइट ब्राउनिश आने शुरू हो जाएंगे और बाद में थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा, तो जब तक ये वाइट वाले डार्क ब्राउन नहीं होते हमें तब तक इसे कुक करना है। क्योंकि ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ,
तो ये जो नीचे वाइट वाइट है ये पूरा का पूरा ब्राउन होना चाहिए। तब तक हमें इसे कुक करते रहना है और स्टर करते रहना है। एंड इसको हमें सिम गैस में ही पकाना है। थोड़ी देर बाद जाके आप थोड़ा सा सिम टू मीडियम कर सकते हैं, बट तब आप प्लीज़ आप वहाँ खड़े रहें। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसमें दो बार उबाला आता है और बॉयल दो बार आएगा तो वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे कुक करते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं अच्छे से, और मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं ली हूँ। और यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा होना शुरू है अभी तो है। 15 मतलब 15 मिनट्स का मुझे और इसको ऐसे ही इसको बॉयल देते रहना है। अब यहाँ पे ये वाली झाग आनी शुरू हो गई है, तो ये मैं सेकंड वाली है जो आपने पहले देखा तो बॉईल हो रहा था, वो वाली झाग वाइट थी, और इसमें देखो बबल्स वाली झाग है। तो अगर जब ये आनी शुरू हुई है तो इसके बाद आपको अप्रॉक्स 10 मिनट्स और पकाना है, या 5 मिनट्स और पकाना है, वो आपको अभी पता लग ही जाएगा। देखो ये वाली झाग जैसी आएगी इसका मतलब दोबारा से बाहर उबल सकता है, तो प्लीज़ सिम में ही रखना। मैंने सिम में रखा है, देखो ये पूरी झाग दोबारा आ गई है, दो बार झाग आएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस झाग को, ये झाग आ गई तो मतलब आपका ऑलमोस्ट बन गया। तो यहाँ पर मैं अब गैस को बंद कर दूंगी, पहले देख लेते हैं। देखो ब्राउन होने शुरू हो गया है, तो मैंने इस गैस को यहाँ पर बंद कर दिया है। और अब देखते हैं नीचे से कितना, देखिए पूरा कलर चेंज हो गया, वो येलो था और ये नीचे से ब्राउन हो गया घी। और यहाँ पर देखिए जो ये वाइट वाइट था ये भी पूरा अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो हमें इतना पकाना है, और यहाँ पर मेरा घी बनके एकदम रेडी है। तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा है, क्योंकि कंटेनर में डालना है तो उसको ठंडा करके डालना, प्लीज़ गरम गरम मत डालना। और यहाँ पर देखिए ये रखा रखा इसी गैस पे इतना और ब्राउन हो रहा है, तो ये ब्राउन होता जा रहा है। और जब भी ये ठंडा हो जाएगा, जैसे इस टाइम पे ठंडा हो गया, और आपको अलग से ही दिख रहा है कि ये ठंडा हो गया, क्योंकि इसका जितना भी जो ब्राउन ब्राउन पार्टिकल्स है वो सब नीचे बैठ गए हैं। तो हमें तभी छानना है जब ये पूरा नीचे बैठ जाएगा। और मैं इस कंटेनर में अब अच्छे से छानूंगी इसे, और छानने के बाद देखिए इसका कलर कुछ इस तरह आएगा। और इसको जमने के बाद भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखो जो ब्राउन था वो इतना ब्राउन आपको करना है, तो ये अलग हो गया है। तो आप इधर घर में क्यों वेट कर रहे हैं, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं, घर में ही आप बहुत ही अच्छा और टेस्टी घी बना सकते हैं। और इसको मैं आपको जमने के बाद दिखाती हूँ। एंड मेरा आप यहाँ देख लीजिए जो पाउडर आता है वो लाइन तक आता है, बट ये फुल है मेरा डब्बा पूरा। तो आधा किलो घी बन रहा है भाई $15 में, तो मुझे तो बहुत ही सही लगता है। तो आप भी प्लीज़ बिल्कुल ट्राई करो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी क्या है। मतलब ऑब्वियसली मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो वो सीरियस फ्लेवर वाला भी जाएगा नहीं ना, रेसिपी कैसी लगी। तो ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा। तो यहाँ पे 6 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए घी कितने अच्छे से जम चुका है, कलर कितना अच्छा आया है। आज का था वीडियो घी बनाने के ऊपर। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।